हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अजय मोबाइल। आज हमारे पास ये जियोनी का फ़ोन है जिसमें गूगल अकाउंट लॉक लगा हुआ है, तो इसको हम बाईपास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाईपास करने के लिए आपको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं ये कनेक्ट करने जा रहा हूँ वाईफाई, थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ वाईफाई कनेक्ट करके। तो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है हमारा, देखिए यहाँ ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नेट चालू करना है। तो यहाँ पे ऐड नेटवर्क में जाएंगे, कोई सी भी की दबाना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। और थोड़े फ़ोन के डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपका इंटरनेट ओपन हो जाएगा। तो इंटरनेट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है फ़ोन के। ये सेटिंग में हम गए और नीचे आए। अब ये एडवांस सेटिंग में देखते हैं पहले क्या है। यहाँ पे बैकअप रीसेट का दे रहा है ऑप्शन, तो हमें बैकअप रीसेट ही कर देना सीधा यहीं से। और ये गूगल अकाउंट हम फिर चेक करेंगे, गूगल अकाउंट लॉक इसका खुला या फिर नहीं खुला। ठीक है, तो एक बार मैं अबाउट में जाता हूँ। अबाउट में जाने के बाद बिल्ड नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैंने क्लिक करा तो यहाँ से डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। तो वो डेवलपर ऑप्शन मैं देखता हूँ कहाँ पे आया हुआ है अभी। ये देखिए डेवलपर ऑप्शन ये आ चुका है हमारा। इसको OEM को इसको अनलॉक कर दिया मैंने, USB डिबिंग को भी। अब इसको करने के बाद आपको फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है, मैं बैक आता हूँ। अब मैं फ़ोन को रीसेट करता हूँ। ठीक है, अगर इससे खुल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं खुलता है तो मैं आपको दूसरा इसका तरीका बताऊँगा, FRP लॉक का, कैसे इसको FRP लॉक को खोलते हैं। फ़ोन हमारा रीस्टोर हो रहा है। तो देखिए ऑन हो चुका है फ़ोन, काफ़ी टाइम लगा ऑन होने में। राम राम। इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, आगे बताइए। उसके बाद ये स्किप का देखिए ऑप्शन आ चुका है, जो पहले नहीं आ रहा था, यहाँ से स्किप कर देंगे। आप जब इसको रीसेट मारोगे तो इसका डेवलपर ऑप्शन आपको ऑन करके ही रीसेट करना है। अगर डेवलपर ऑप्शन रीसेट ऑन नहीं करोगे और रीसेट मार दोगे तो इसका गूगल अकाउंट लॉक नहीं हटेगा। तो आपको पहले फ़ोन अबाउट में जाके बिल्ड नंबर पे 7 बार आपको क्लिक करना है, उसके बाद ही आपका ये फ़ोन डेवलपर ऑप्शन आएगा। तो वहाँ से OEM और USB डिविंग को ऑन कर लेना है। उसके बाद फ़ोन में भी सेटिंग में जाके आपको फैक्ट्री रीसेट कर देना है, तब जाके आपके फ़ोन का FRP लॉक हट जाएगा। देखिए इस फ़ोन का FRP लॉक हट चुका है। आपको अबाउट में जाके बिल्ड नंबर पर आपको ऐसे 7 बार क्लिक करना है। फिर आप बैक आएंगे तो एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। फिर यहाँ इस डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको OEM को अनलॉक इसको मतलब इधर यस कर देना है और इसका USB डिविंग को भी। फिर उसके बाद आपको इस फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर देना, तो इसका गूगल अकाउंट लॉक आपका खुल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।